पहले तो उसका उद्देश्य पता है क्या था? गरीबी मिटाओ। क्या था? गरीबी मिटाओ। पहला 5 साल गुजरा और रिजल्ट आया 5 करोड़ लोग बेरोजगार। पहले का रिजल्ट आया, फिर दोबारा लागू की दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी का रिजल्ट आया 12 करोड़ बेरोजगार, 12 करोड़ गरीब। फिर तीसरी 21 करोड़, चौथी 30 करोड़। करते चले गए, करते चले गए, आज 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है हम कहाँ को जा रहे हैं, क्या जिंदगी है, क्या होने वाला है, कुछ खबर ही नहीं है। सब क्यों जी रहे हो? सब जी रहे इसलिए हम भी जी रहे, पर लगे नहीं। इन सब लोगों ने ये प्रश्न जो पूछा है ना डायरेक्ट सेलिंग क्यों, पता है इनको चिढ़ क्यों है? क्योंकि बात वहीं से शुरू नहीं हो रही है, हजार वर्षों से कुछ ऐसा हुआ है जो अंदर तोड़ने के सॉफ्टवेयर को मजबूत किया है और जोड़ने से नफरत हुई है। मैं प्रूव करता हूँ आपको, अपना देश अकेला था और बड़ा क्षेत्रफल था, आज 5-10 देश अपने से अलग हुए कि नहीं हुए? तो तोड़ने की प्रैक्टिस हुई कि जोड़ने की? तोड़ने की। ऑलराइट, अपनी जिंदगी का सिंपल एग्जांपल, एक व्यक्ति हुआ करता था, एक नाड़ी देखता था और पूरे शरीर का इलाज एक ही वैद्य करता था कि नहीं करता था? अब एक की जगह डॉक्टर अनेक हो गए, अब आई स्पेशलिस्ट अलग, अब ईएनटी अलग, हार्ट अलग, किडनी अलग और नीचे अभी रुको रुको, अभी अभी तोड़ना खत्म नहीं हुआ है। आप कुछ दिन रुक जाओ, लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट, राइट आई स्पेशलिस्ट, लेफ्ट किडनी स्पेशलिस्ट, राइट किडनी स्पेशलिस्ट, तोड़ने का प्रोग्राम जारी है। गहरे में अंदर से गहरे तक तोड़ना इतना भर गया कि जोड़ने की बात से भिदकते हैं, पता नहीं क्यों भिदकते। पहले एक दादा के चारों बेटों के 20-25 संतान का रसोई एक ही जगह बनती थी, अब चाचा ताऊ बुआ फूफा फूफा तो छोड़ो, अब तो पति पत्नी साथ भोजन कर ले सरप्राइज। तो बताओ तोड़ा कि जोड़ा? और एक बहुत बड़ा रहस्य बताया हूँ आपको, बात अपने देश से शुरू हो रही है, क्यों? देश का सवाल है, वाइडर रहस्य ही। एक तो गहरे से कि दुनिया में आप जब भी कोई बड़ा इतिहास पढ़ोगे तो एक बहुत चौंकाने वाली चीज मिलेगी, हम अकेले हैं पूरी दुनिया में जो 1000 वर्ष हंसते हंसते गुलाम रह गए, हंसते हंसते रह गए 1000 वर्ष। हिस्ट्री पढ़ी आप लोगों ने? 1000 वर्ष गुलाम रहने वाले पर ही है, कोई माइकल आज दूसरा है नहीं, और 40 करोड़ लोग थे फिर भी रह गए, क्यों? हार्वर्ड ने एक सर्वे किया था, अमेरिका, जापान और भारत तीनों के लोगों के ऊपर। क्या सर्वे किया? ये तीनों लोग क्या करते हैं जब बिजली जाती है, घर में जब बिजली जाती है तो क्या करते हैं? सिंपल, जैसे अमेरिका में बिजली जाती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करता है, लाइट की व्यवस्था करवाता है। जापानी क्या करता है? 99% तो बिजली खुद ही ठीक करता है, 1-8% की जरूरत रही तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करता है। अपने वाले क्या करता है? किसान भी बाहर निकलता है और ये देखता है के।
की दीवार गिरा दो, इसका मतलब वो पूरा काम डूबेगा। कबूल है, डूबना कबूल है, लेकिन गुलाबी कबूल नहीं। पांच गांव जीते सिकंदर ने, दोबारा कभी होने क्या करना नहीं किया, क्योंकि गांव की दीवार गिरा दी। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होने जा रहे हो और हजारों लोगों से मिलना है, उन लोगों से जो जिंदगी में आपके ऊपर एनाकोंडा की तरह वार करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ उस इंडस्ट्री का विशाल वृक्ष कितना बड़ा है, उसकी गहराइयां कितनी बड़ी है, वो कितने क्षेत्रों को छूती है, कितने लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा अवसर दे सकती है, ये आपको अगर पता होगा तो आप डायमंड जाएंगे और जिसको बताएंगे वो भी डायमंड जाएगा। लेकिन पता आपको होना चाहिए, पता आपको होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं ऐसे जोड़ने से कोई पैसा आता है क्या, और अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है जोड़ने से पैसा आता है, जोड़ने से पैसा आता है। अमेरिका का राष्ट्रपति, आज वर्ल्ड के बड़े रिचेस्ट लोग, दुनिया में बड़े बड़े देश जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ऊपर उठ चुकी है, वो लोग कह रहे हैं ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा बिजनेस है। ये कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रूवन इटसेल्फ टू बी अ वाइबल एंड रिवार्डिंग सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया के और लोग, दिग्गज लोग दुनिया में फर्स्ट एंड सेकंड जो अमीर लोगों में सूची में कायम रहने वाले व्यक्ति वॉरेन बफेट, उनका खुद का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में। भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, वो कह रहे हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है इसने दुनिया में बहुत अच्छा व्यापार दिया है, दुनिया को बहुत अच्छा सक्सेस दी है, और ये हार्ट है अमेरिका का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एक आदमी कह रहा है बेवकूफ बनाते हो, उल्लू बनाते हो, एक आदमी कह रहा है जिंदगी बनाने वाला बिजनेस है। किसकी माने, किसकी सुने? अपने फिल्ट्रेशन को मजबूत करो, अपनी सेंसेस को इतना जबरदस्त बना लो कि आपके